हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है, एक मसीह व्यक्ति को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो रक्षाबंधन है, अभी आने वाले समय में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप इस पर एक वीडियो बनाओ ताकि हमें पता चले कि बाइबल के अकॉर्डिंग एक मसीह व्यक्ति के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार क्या मायने रखता है, क्या एक मसीही को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सारी बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे देना चाहता हूं। आप इस सूचना को, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा, आप इसको पढ़ लीजिए। हमारे वीडियोस मसीहों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है बहुत शीघ्र है, और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बाइबल के वचन के अनुसार आपको सारी बातें बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और वीडियो को समझने की कोशिश करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और परमेश्वर का वचन पहुँच सके कि एक व्यक्ति को किस प्रकार का पवित्र जीवन जीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दिया है कि आज मैं बात करने वाला हूं राखी यानी कि रक्षाबंधन के ऊपर। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या हम लोग रक्षाबंधन यानी राखी बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा कि कमेंट का जवाब देने से अच्छा है कि मैं इस पर एक टॉपिक वीडियो बना देता हूं, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए। तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जरूर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि अब तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या हमें रक्षाबंधन यानी कि राखी का जो त्यौहार है वो मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अपने पुराने जीवन को मार देते हैं, यानी कि बपतिस्मा लेते हैं। आपने भी शायद बपतिस्मा लिया होगा, तो बपतिस्मा का मतलब होता है कि एक मनुष्य पुराने स्वभाव के लिए मर चुका है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। आपको मैं इस बात को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको यह समझना होगा कि हम जो काम करते हैं वो सिर्फ बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप संसार और परमेश्वर दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। अगर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय के 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा मालूम करने के लिए यह काम हमारे जीवन में होना चाहिए, संसार के सदृश नहीं बनना है। सबसे पहली चीज, जो काम आप प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले या यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले किया करते थे, संसारिक बातों में थे, वो अब आप नहीं कर सकते हैं। बाइबल इसके विषय में साफ रीति से मना करता है कि तुम संसार के सदृश नहीं बन सकते। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में बाइबल मना करती है कि तुम संसार के सदृश नहीं बन सकते। और खासकर एक बात आपको पता भी होगी कि हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई ऐसी कथा या कहानी जुड़ी हुई है जो किसी ना किसी रिवाज के साथ, रीति के संग उसका कनेक्शन है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर जब वचन में कहता है कि उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है, अब हम बंधन में नहीं है, अब हम संसारिक बातों में नहीं है, इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को कभी
कभी भी इन चीजों में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उद्धार यीशु मसीह के वचन पे चलने से और यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, एक धागा ही तो है, उसे हाथ में बंधवा लेने से क्या होगा, भाई बहन का प्यार है और भाई बहन की रक्षा करने का वायदा करता है। तो क्या एक धागा ही आपको अपने बहन के प्रति प्रेम को दर्शाता है? क्या एक भाई अपनी बहन से ऐसे ही प्रेम नहीं करता? बिल्कुल करता है। आप यदि एक धागा के वजह से अपने बहन से प्यार करते हैं तो आपका प्यार बहुत कमजोर है मेरे प्रियो। अगर आप अपने बहन से या भाई से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको एक धागे की जरूरत नहीं है। आपके मन में उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, आपके मन में उसकी रक्षा करने की भावना होनी चाहिए, तो ये सारी बातें वैसे ही हो जाएंगी। सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो ये सारी बातें आपके लिए नहीं रह जाती है। अब आप सिर्फ बाइबल के अनुसार जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं, आप संसार के सदृश नहीं बन सकते। अगर एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:32 का अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम जब सत्य को जान जाते हैं तो हम संसारिक बातों से स्वतंत्र हो जाते हैं। जिन रीति रिवाजों में हम पहले से थे, अब हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं रह जाता क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से इस बात को समझिए कि जो भी त्यौहार आता है इसमें किसी ना किसी चीज में एक रिवाज जुड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई प्रथा है। आपको उस प्रथा को समझना होगा। आप ये ना सोचे कि ये भाई बहन का ही सिर्फ प्यार है, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी प्रथा जुड़ी हुई है जो किसी ना किसी रिवाज को फॉलो कर रही है, और इस चीज को हमें समझना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। एक मसीह व्यक्ति के लिए रक्षाबंधन मनाना सही नहीं है, उसे नहीं मनाना चाहिए। संसार करती है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मैं इस बात को उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, उसको ये बातें नहीं माननी चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इन बातों को बिल्कुल भी अपने जीवन में लागू ना करें। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इन बातों को आपको मानना ही होगा और इन चीजों को आपके जीवन में लागू करना होगा। तो सही शब्दों में, अगर एक शब्दों में कोई मुझसे पूछेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं तो क्या मुझे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, क्या मुझे अपने हाथ में राखी बंधवानी चाहिए, तो मैं उसे बाइबल के अकॉर्डिंग यही कहूंगा कि जी नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो रक्षाबंधन का त्यौहार आपके लिए नहीं है, आप रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। आप अपने बहन से प्रेम करिए, उसकी रक्षा करिए और जीवन भर उसकी रक्षा करिए। एक धागा आपके भाई और बहन के प्यार को मजबूत करता है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में आपके भाई बहन का प्यार तो जन्म से ही है, आप एक ही माँ के बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए आपको एक दूसरे की सहायता तो करनी चाहिए। इसके लिए कोई धागा आपका माध्यम नहीं बन सकता। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा रक्षा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी विपत्ति आएगी, यदि आप भाई हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपकी बहन की रक्षा करे, और अगर आप बहन हैं तो आप प्रार्थना करिए कि आपके भाई की रक्षा परमेश्वर करे। तो यही हमारे बीच में एक अटूट बंधन होना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम का बंधन होना चाहिए। अब हम संसारिक बातों में ना रहें और संसारिक चीजों में ना जाए क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। तो जो कुछ हम पहले करते थे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, उन चीजों को हम नहीं कर सकते, ये बाइबल के खिलाफ है, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती है। और बाइबल में भी इस बात के विषय में लिखा गया है कि हम अब प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, और हम नई सृष्टि होने के बाद हमारा सब कुछ नया हो जाना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई हैं, उनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। याद रखिए, आप अपने परिवार से प्रेम करिए, आप अपने भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे की सहायता करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे, एक बहन अपने भाई से प्रेम करे, ये बाइबल भी सिखाती है। लेकिन कोई भी रीति रिवाज के द्वारा अगर हम इस चीज को करते हैं वो बाइबल के खिलाफ। इसीलिए अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, आप एक मसीह हैं, तो आपके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना सही नहीं है, गलत है, बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि एक मसीह व्यक्ति को बाइबल के अकॉर्डिंग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल पढ़ें, बाइबल के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर आप जीवन नहीं जिएंगे तो यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में कतई नहीं जाएंगे।